Good morning, students. Now today we'll discuss one more topic from the same chapter, clear, from plus two bio topic, that is biotechnology and its applications, and that topic is ethical issues. Now, ethical issues means in the biotechnology, when we are doing certain genetic changes, so there are certain problems also. We are using animals, clear? And when you do it, maybe you are just, you can say that torturing animals. So, up to how much you can torture animal? Hum usko kitni had tak use kar sakte animal ko? Kitna torture kar sakte? To uske liye kuch kaida kanoon hona chahiye? So, for that, India has made one organization. And the name of that organization is Genetic Engineering Approval Committee. Clear? उस organization में हमने एक committee बनाई है which will check. अब इस organization का काम क्या रहता है बेटे? This organization will make decisions regarding the validity of GM, means genetically modified research. आप कितना कर सकते हो, किस हद तक जा सकते हो, and safety of introducing GM organism for public services. अब जैसे हमने cow की बात की थी, उसके बाद आपने उसको पब्लिक में भी डालना है, तो उसमें कितना इफेक्ट पड़ता है नॉर्मल पॉपुलेशन पे, वो सारा चेक कौन करता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी. वो अप्रूव करती है, ओनली देन आफ्टर दैट यू कैन गो फ्रॉम दैट. उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें प्रॉब्लम आता है बेटे एथिकल इश्यूज में, क्लियर, दैट इज दैट. अब जब आप मॉडिफिकेशंस करते हो, क्लियर, जैसे फूड में है या किसी मेडिसिन में, फॉर एग्जाम्पल, नाउ दैट ऑल्सो क्रिएट द प्रॉब्लम विद द पेटेंट ग्रांटेड फॉर द सेम. अब मान लीजिए आपने उस किसी प्लांट को पेटेंट करवाया, उसके बाद आपने उसको रिसर्च के लिए उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया, तो नाउ देर इज़ अ प्रॉब्लम बिटवीन द पेटेंट, बिकॉज पेटेंट केसेज में वी कॉन्ट डू एनी रिसर्च विदाउट परमिशन, सो देर इज़ अ प्रॉब्लम इन सच केसेज ऑल्सो. देन आफ्टर दैट देर इज़ अ, यू कैन सी, ग्रेट प्रॉब्लम, पब्लिक एंगर. देर इज़ अ ग्रोइंग पब्लिक एंगर. अब why public is angry about it, kya karan hai uska beta, uske liye kya hai ki we are having certain, of India aap jante ho, it is rich country, yahan pe bahut sari variety hai plants ki, animals ki, environment, means India is a very good country and rich country with the natural resources. ab hamare yahan pe agar hum rice ki baat kare, if we talk about rice, to ye sadiyon se grow kiya ja raha hai, and near about 2 lakh varieties of rice are alone in India. हमारे अकेले भारत में 2 लाख से ज़्यादा वैराइटीज़ हैं, क्लियर. लेकिन अब हुआ क्या, एक अमेरिकन कंपनी ने हमारा जो बासमती राइस था, जो बेस्ट राइस था, उसको एक ड्राफ्ट वैराइटी के साथ मिलके एक नई वैराइटी बनाई, और उन्होंने दावा किया कि ये हमारी वैराइटी, हमारी रिसर्च है, जबकि ऑलरेडी हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है वो हमारी ही वैराइटीज़ है, हमारा काम है, लेकिन उन्होंने उसको पेटेंट करवा लिया. सो दिस इज़, यू कैन से, एक जो डिवेल्प्ड कंट्रीज हैं दे आर एक्सप्लॉइटिंग द डिवेल्पिंग कंट्रीज. तो ये चीज़ का गुस्सा जो है लोगों में है. अब ऐसे ही हल्दी, आप जानते हो इसका यूज़ क्या है, ये हमारे ग्रंथों में, आयुर्वेदा में बहुत सदियों से चलता आ रहा है. नाउ द अदर कंट्रीज वॉन्ट टू पेटेंट, अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया एंड वी आर नॉट रेडी टू पेटेंट इट, तो ऐसा ना कि बाकी देश इसको पेटेंट करवा लें. सो दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम विद दिस. आफ्टर दैट द नेक्स्ट टॉपिक इज बायोपायरेसी. नाउ व्हाट इज बायोपायरेसी? नाउ नेक्स्ट बायोपायरेसी. नो, व्हाट इज़ बायोपायरेसी? अगर मैं इसको आम भाषा में बोलूँ, किसी चीज़ की नकल तैयार कर देना, ठीक है. आप जैसे मार्केट में देखते हो बहुत सारी कॉपीज़ आ जाती हैं, ये थे फर्स्ट कॉपी है, सेकंड कॉपी है, सिमिलर यू आर हैविंग इवन पायरेटेड बुक्स, एनसीईआरटी की पायरेटेड बुक्स भी अवेलेबल होती है मार्केट में. तो यहाँ पर वर्ड बायो आ गया, तो इट मीन्स दिस इज़ अ पायरेसी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है. तो यहाँ हम लिविंग रिसोर्सेज जो हैं, बायो रिसोर्सेज हैं, उनकी हम पायरेसी करेंगे, उनकी कॉपीज़ बनाएंगे, क्लियर. तो बायो पायरेसी इज द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज, क्लियर, बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज एंड पीपल. बिना उस देश की, बिना लोगों की परमिशन से जो कंसर्न है उसके साथ, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं बेटे, दे आर मेकिंग देयर कॉपीज, क्लियर, दे आर मेकिंग, डूइंग बायो पायरेसी विच इज इलीगल. और इससे क्या हो रहा है, जो डिवेल्प्ड कंट्रीज हैं दे आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर द डिवेल्पिंग कंट्रीज, दे आर डूइंग इनजस्टिस विद देम, उनके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, ठीक है. तो फॉर दैट वी आर गोइंग टू मेक, मीन्स सम नेशंस जो हैं, कुछ कंट्रीज ने मिलकर एक लॉ बनाने के बारे में सोचा. दे थिंक दैट देर मस्ट बी सम लॉ टू प्रिवेंट सच अनऑथोराइज एक्सप्लॉयटेशन, ताकि इस तरह के एक्सप्लॉयटेशन को हम रोक सकें.
ठीक है, ऑफ देयर बायो रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, जो कि हमारे सदियों से ग्रंथों में पढ़ी है. उसके लिए क्या है, द इंडियन पार्लियामेंट हैज रिसेंटली क्लियर्ड द सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल दैट टेक्स सच इश्यूज इनटू कंसिडरेशन इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म्स, एमरजेंसी प्रोविजंस एंड रिसर्च एंड डिवेलपमेंट इनिशिएटिव्स, राइट. सो दीज आर सम ऑफ द यू कैन से एथिकल इश्यूज विच आर क्रिएटेड विद द बायोटेक्नोलॉजी और द रिसर्च कंसर्न विद द बायोटेक्नोलॉजी. क्लियर डन? विद दिस योर चैप्टर इज ओवर. नाउ थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे.